टंका पाई मार बेको काटिला पुओ पुलस एक विभत्स हत्या घटना आसी लोकलोचन को सान पुओ कि टंका सकाशे निज मा को हत्या करोग कर मृत महिला बड़ पुओ रवि गौड़ हत्यार नौ दिन पर बड़ पुओ सहित ग्रामवासी पुलिस को एपरी सूचना देखते तेरे एभली एक अभावन मर्मंतुक हत्याकांड घटी जा सुंदरगढ़ जिला राजगामपुर थाना अंतर्गत जरईकेला पंचायत बयाम गाँव मानविकता को लज्जा कर सामान्य टंका कईटापाई एपरी निर्मम हत्याकांड भिई सान पुओ जरईकेला पंचायत बयाम गाँव बासिंदा राजू गौड़ नामक जड़े युवक माँ लक्ष्मी गौड़ को कौन से एक धारुआ अस्त्र में तार बेक काटी फेरार हो घटनास्थल नौ दिन पर ग्रामवासी मृतदेह दुर्गंध होबार जानिपारी तेज विलंबित रात्रि यह घटना विषय राजगामपुर थाना को अवगत कराई खबर पाई पुलिस बाह्याम ग्राम से पहुंची शव को जबत कर व्यवच्छेद राजगामपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाइवा सहित थाना एक मामला रुजू कर शव व्यवच्छेद पर लोक शव हस्तांतर हो थाना अधिकारी मतव्यक्त कर तेबे फेरार थिबार राजू गौड़र संधान मिलिबा परे घटनार सत्यासत्य पदा को आसिबो बोली ग्रामवासी सहित बड़ पुओ रवि कहिछंती रवि गौड़ मो घर बाह्याम पंचायत जरेकेला डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ ब्लॉक राजगामपुर मो भाई ना राजू गौड़ से मोर माँ को मारी देसी मुंडटा कटि जाइछि से पैसा पई ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ପଇସା କହୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତୋତେ ପଇସା ଦେବି କହିକି କହିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିନଥିଲା ମୁଁ ଆସିନପାରିଲି ତାପରେ ସେ ମାରିଦେଇଥିଲା 8 ତାରିଖ ତାପରେ ମୋତେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହୋଇଛି କହିକି ଗଣେଶ ଚାଚା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଆସିଲିନି ଆଉ ମୁଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ 11:00 ପହଞ୍ଚିଲି ବାଇକ୍ରେ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଲାସ୍କୁ ବାହାର କରିଲୁ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜଗାମପୁର ଆଣିଲୁ ତାପରେ ଝରକାଟା ଖୋଲା ଥିଲା ଆଉ ଭିତରେ ସାଇଡ଼୍ରୁ କବାଟରେ ଦରବଜାରେ ଲଗା ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଝରକା ପାଟ ପଶିଲୁ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଲାସ୍କୁ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ सुंदरगढ़ रु जज्ञज्योति बेहरा रिपोर्ट ओडिशा समाचार।